अब लास्ट एक चीज मैंने एक्सरसाइज लिखी हुई है 4.1 और 4.2 लिखी हुई। 4.1 को मैंने बताई हुई है, आप लोगों ने शायद देखी ना वो। उसमें मुझे कहा था कोई डिटेल लेक्चर से मौजूद है मेरे, कि अगर डब्ल्यू इक्वल टू जीरो आ जाए तो सोल्यूशन जो होते हैं, अगर डब्ल्यू इक्वल टू जीरो आ जाए तो सोल्यूशन जो होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो तो सोल्यूशन क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ये दो छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि भी चेक करें तो क्या ये सोल्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। ठीक है, 4.1 एक्सरसाइज में है शायद इस तरीके से, तो डिटेल मैंने बताई है। उसमें ये कहा जाता है कि चेक करें कि क्या ये सोल्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल देखना सबसे पहले कर रहे एग्जाम्पल हो, एक एग्जाम्पल है, ये पहले भी कोई ऐसा दिमाग का टॉपिक देखें, क्वेश्चन है 4.1 में, 4.1 की सारी एक्सरसाइज इसी बेच। अब देखें इसमें 15 क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि F1 जो है वो x है, F2 जो है वो आपका एक्स स्क्वायर है, F3 जो है वो आपका 4x-3x। ठीक है, अच्छा बात है, चलो मैं ये पहले को आ रहा कॉम्प्लीमेंट का, वो ये कहता है कि चेक करें कि क्या ये तीनों फंक्शन जो है एफ जो कि वाई के लिए इक्वल होता है, तो ये वाई भी कह सकते हैं, तो चेक करना है कि क्या ये तीनों फंक्शन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो हम क्या कहेंगे, डब्ल्यू बनाएंगे, ये बताएंगे डब्ल्यू बना के चेक करना। अब डब्ल्यू क्या होता है, F1, F2, F3 तीनों फंक्शन का जो हम डिटरमिनेंट बना लेते हैं, दूसरे में इसका डेरिवेटिव आ गया और तीसरे में इसके डबल डेरिवेटिव आ गया, हमने बस इसकी वैल्यू निकाली। अगर तो इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, ये जो सोल्यूशन है तीन ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर जीरो ना आए तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब इसको सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व भी करना है, ये एक्स आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 4x-3x² आ जाएगा, इसका डायरेक्टिव नीचे ये 1 आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, ये 4-6x आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, ये -6 आएगा। अब इसको आपने ओपन कर लें, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ओपन कर लेते हैं, ये x आएगा। ठीक है, इसको x से ओपन करते हैं तो ये -12x -8+12x आ जाएगा, -x डिटर्मिनेंट ओपन करेगा वो आपको आना चाहिए, तो ये आएगा 6-0 हो जाएगा, +4x-3x उसके और 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, अब इसको फर्दर ओपन करते हैं तो ये 12 खत्म हो गया, ये आएगा -8x, यहाँ से -6x उसके, यहाँ से क्या आएगा +8x-6x, तो यहाँ से देखते एक्स लिया है, फिर आपका -12x-8+12x-x उसके तो यह आएगा -x² के साथ तो यह आएगा -6x, या फिर -6x, और ये जब -x ये आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 8x-6x। अब ये देखें, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर क्या आ गया, जीरो। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो हमने क्या कहा, अगर डब्ल्यू जीरो आ जाए तो सोल्यूशन क्या होंगे, लीनियरली डिपेंड। तो इसका मतलब कि ये जो F1, F2 और F3 दिए हुए थे ये सारे, ये क्यों लीनियरली डिपेंडेंट है। ये इस तरीके से सिंपल मैंने पहले बताया कि अगर ये जीरो ना आता, ये कैंसिलेशन ना होती, जीरो ना आता, कोई भी एक्स की चीज़ आ जाती तो ये क्या हो जाता, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अब बात ऐसा ये होता है कि जैसे ये क्वेश्चन है y"-y-6y=0। अब इसी के अंदर क्या रहता है कि चेक करें कि क्या इसके सोल्यूशन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट। वहाँ पे तो आपको बता दिए थे ना सोल्यूशन के, सोल्यूशन कौन से हैं जिसको आपने चेक करना है, ये कैसे देखो, ये y1 बता दिया, y2 बता दिया, y3 बता दिया, आपने चेक कर लेते कि ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट। तो बात अब वो इक्वेशन दे देता है, क्या इसको चेक करें। अब इसके सोल्यूशन पहले आपने निकालने, जो हमने टीके पढ़े उसका टीका क्या था, m² -m-6 y = 0 कर लिया, एक एक्सिस्टिक इक्वेशन निकाल ली। ठीक है,
फिर उसके बाद इसके फैक्टर्स निकालिए, आई थिंक के थ्री और माइनस टू बन जाते हैं, फिर बाई सी जो बनेगा वो सी वन की पावर थ्री एक्स प्लस सी टू की पावर माइनस टू। तो इसके अंदर जो वाई वन होगा वो होगा ई की पावर थ्री एक्स और वाई टू जो होगा वो ई की पावर माइनस। जब मैंने 4.7 पॉइंट की वैल्यूएशन ऑफ पहले तो इसमें बताया था कि वाई वन वाई टू हम कैसे, जो सी वन के साथ होगा वो वाई वन हो जाएगा, जो सी टू के साथ होगा वो वाई टू। अब उसने ये कहा था कि इसके अंदर जो सोल्यूशन बनते हैं उसको चेक करना है कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो हमने पहले सोल्यूशन निकाले, अब इसको इंडिपेंडेंट चेक करना तो डब्ल्यू की वैल्यू निकालिए, ये फार्मूला आपके पास पड़ा हुआ है, बस इसकी वैल्यू पुट करते हैं, अगर ये जीरो आते हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर जीरो नहीं आते लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे पास था 4.1 के लिए जो मटीरियल था ये हमने, और लास्ट जो चीज़ है आखिरी चीज़ 4.2, इसमें क्या था, ये सिर्फ 4 चैप्टर कंप्लीट करना चाह रहा था इसलिए मैंने ये बुक, इसमें सिर्फ आपका एक जैसे अब ये देखें, अगर वो ये कह सकता है फर्स्ट पेज क्वेश्चन एक मैं बताता हूँ जो 4.2 बेसिक आइडिया है, वो ये कहता है कि अगर वाई डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस सिक्स वाई इक्वल टू जीरो, अभी इसमें कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर, तो आपको पता है कि इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो इस तरह का होगा, वो किस तरह का होगा, इस टाइप का होगा, सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू टाइप का होगा, ठीक है। अब वो हम फिर पूरा तरीका जिस हमने ये किया उसकी जैसे हमने कहा, अब हमें पता है कि इसके अंदर जब सी वन वाई वन होगा सी टू वाई टू होगा तो वाई वन और वाई टू दो सोल्यूशन होंगे, ये भी मैंने एग्जाम्पल दी ना आपको, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सेकंड ऑर्डर है तो सेकंड ऑर्डर में हमकी दो वैल्यूज निकलती है, लास्ट में निकलेंगे अगर थर्ड ऑर्डर होगा तो तीन निकलेंगे, फिर कॉन्स्टेंट भी तीन या दो ऑर्डर उसके साथ। अच्छा, अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि ये सी वन के साथ भी कोई ना कोई टर्म आती है, सी टू के साथ भी कोई ना कोई आती है, ये सॉल्व करने के बाद पता लगता है, ठीक है। बाद दफ़ा वो ये कहता है क्वेश्चन में, जैसे इसी क्वेश्चन में वो ये कह देता है कि इसका क्वेश्चन ये बना देता है वाई डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस सिक्स वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, इफ़ वाई वन इक्वल टू ई की पावर थ्री एक्स देन फाइंड वाई, ठीक है, विदाउट सॉल्व, विदाउट सॉल्व, वो कहते हैं कि सॉल्व किए बगैर, यानी कि ये सारा प्रोसीजर नहीं करना, अब इसका आंसर क्या बना था, ई की पावर थ्री एक्स ई की पावर माइनस टू दोनों आ गए, तो वो क्वेश्चन ये कह देता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर एक सोल्यूशन ये बनता है, दो बनेंगे डबल डैश है तो दो आ गए, एक को दे दिया, अब कहता है दूसरा निकाल और सॉल्व नहीं करना, इस तरीके से आपने सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो वो जो टेक्निक होती है जिससे हम वाई टू निकालते हैं दूसरे तरीके से, इसको हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, इस टेक्निक को क्या कहते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से, और ये लगती है सेकंड ऑर्डर की, जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है सिर्फ उस पर लगता है, और उसमें भी बस यही होता है एक फंक्शन दिया जाता है दूसरा निकालना होता है, बस उसका फार्मूला लगा के इस्तेमाल करें। अब देखें अगर फर्स्ट करें कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, अगर सपोज करें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, इसी तरह की होगी जैसे ये है, तो वाई डैश के साथ क्या है माइनस वन, वाई के साथ क्या है माइनस सिक्स, तो वो पी और क्यू की वैल्यू चाहिए, वाई डबल डैश के साथ वन होना चाहिए, अगर इसके साथ कोई और चीज़ आती है तो उसको डिवाइड करना है, बल मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ कि एक दो एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन ये है कि वाई डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो, मैंने बताया था रिडक्शन ऑफ ऑर्डर किसके लिए लगती है, सेकंड ऑर्डर के लिए लगती है, ये तो आप वैसे हो गया, ये सेकंड ऑर्डर के लिए लगती है, थर्ड ऑर्डर गैप के लिए नहीं लगती, और ये किस लिए लगती है, ये एक सोल्यूशन दे दिया जाता है दूसरा निकालना, ठीक है। अब जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की होगी ना, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस वाई, सेकंड ऑर्डर जो होगी तो वाई डैश के साथ जो होगा वो पी बन जाएगा, वाई के साथ जो होगा वो क्यू बन जाएगा, और मगर वाई डबल डैश के साथ क्वेश्चन क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, देन अब वाई वन हमें बता दिया है क्वेश्चन में, हमें वाई वन बता दिया जाएगा, वाई टू निकाल, देन जो वाई टू का फार्मूला है वो ये वाई वन इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ई ऑफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला है आप बुक में भी देख सकते हैं, ये फार्मूला है, अगर आपने वाई टू निकालना है, वाई टू निकालना तो फार्मूला क्या है, वाई वन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस ई ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे देखें क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस थ्री एक्स वाई डैश प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो,
देखिए क्वेश्चन ये कि एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस थ्री एक्स वाई डैश प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो एंड वाई वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या कह रहे हैं उसमें कि एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस थ्री एक्स वाई डैश प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो एंड वाई वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन ये फाइंड वाई, वाई टू निकालना है, बस ये फॉर्मूला लगाएंगे। वाई वन की वैल्यू आपको पता है, पी ऑफ एक्स निकालना, पी ऑफ एक्स निकलेगा वाई डैश, और ये याद रखिएगा वाई डबल डैश अकेला होना चाहिए, वाई डबल डैश क्या होना चाहिए अकेला। अब यहाँ पे वाई डबल डैश अकेला नहीं है, यहाँ पे वाई डबल डैश अकेला नहीं है, तो हम एक्स स्क्वायर से पहले डिवाइड करें, इसको अकेला बनाएंगे, ये बन जाएगा डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा, ठीक है। अब पी कहाँ से निकलेगा, वाई डैश से, वाई डैश से पी ये बनेगा, तो पी की वैल्यू क्या निकलेगा माइनस थ्री वाई डैश, पी की वैल्यू चलिए उनके फॉर्मूले में क्यू तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो अब वाई टू निकाल लेते हैं। वाई टू किसके इक्वल है, वाई वन, वाई वन आपका एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन में पी की पावर में क्या था माइनस, हम देखा पी की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या आई है माइनस एक माइनस ये पी है, तो ये आ जाएगा थ्री बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई वाई वन का स्क्वायर है, तो वाई वन क्या था एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स फोर। और ये याद रखिएगा इसको कैंसिल भी कर सकते ये इंटीग्रेशन के अंदर, ये इंटीग्रेशन जो बाय है सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर थ्री, अंदर क्या आएगा फिर बाहर लेते हैं तो इंटीग्रेशन में बना लगे वो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फोर, बस इसको सिंप्लीफाई करना हो तो ये बन जाएगी ई की पावर लॉग ऑफ एक्स क्यूब बन जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स फोर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई एक्स फोर बन जाएगा, एक एक्स कैंसिल हो गया ये आएगा एक्स स्क्वायर वन ओवर एक्स, तो वन ओवर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ, तो ये हमारे वाई टू निकला है। आई रिपीट वाई डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो हो तो वाई टू निकालने का ये तरीका है, मगर उसमें पी उससे निकलेगा जब वाई डैश का क्वेश्चन होगा वाई डबल डैश अकेला होगा, अगर इसके साथ कोई टर्म आती है तो उसको डिवाइड करना है, ये क्वेश्चन था ये डिवाइड कर दिया, एक वाई वन आपको दिया हुआ है सिर्फ आपने यहाँ से पी निकाला वो फॉर्मूले में पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई तरीके से कीजिए, ठीक है। जो आपने सिंप्लीफाई करना है वो थोड़ा सा तरीके से कीजिएगा क्योंकि उसी में कंफ्यूजन आती है, वही फिर प्रॉब्लम आती है। अच्छा अगर ये वाले टर्म ना भी आए तो फिर भी हम इसको कर सकते हैं क्योंकि क्यू तो इस्तेमाल ही नहीं होगा, वाई के साथ वाली चीज़ क्या क्यू है तो क्यू तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो हम तो सिर्फ पी इस्तेमाल करेंगे, तो वाई डैश भी अकेला आ सकता है, वाई ना भी आती कोई फर्क नहीं, ठीक है। बाकी एक दो चीज़ें और होंगी तो वो बुक में देख लीजिएगा, तो बाकी भी शुक्र लग। अच्छा एक चीज़ और मैं जिसमें चाह रहा था कि आपको एक असाइनमेंट मैंने दी हुई है, उस असाइनमेंट में मैंने ये कहा था कि जो है पावर मेथड से हमने करना था, तो पावर मेथड किस टाइप के हैं, बीएससी में मौजूद है तो वो इस तरह की कोई चीज़ होती है कि ये थोड़ा सा एक एग्जांपल में देखिए एग्जांपल से बता देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है ये हमारा लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, बुक में देखेंगे आप समझ लग जाएगा। पहले तो वाई सी आपने निकाल लिया इस तरीके से, जो वाई पी निकलेगा उसमें हम क्या करते हैं ये एक्सपोनेंशियल केस है, तो 15 मिली की पावर एक्स ऊपर रखा नीचे हमने ये वाला फैक्टर कर दिया डी स्क्वायर प्लस थ्री डी माइनस फोर, ठीक है। फिर हम उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं उस इसका फिर मेथड है डिफरेंट मेथड है, ई की पावर में एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हम पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आइडिया आपके यहाँ से दे देता हूँ, पहले मुझे क्वेश्चन मिलते तो फिर मैं बता देता हूँ आपको कि एम स्क्वायर प्लस थ्री है एम स्क्वायर बाई प्लस टू। यहाँ पे आप ज़रा देखिएगा कि ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन था पावर मेथड से सॉल्व करना, तो सोल्यूशन में हम क्या करते हैं पहले फॉर बाई सी कर लेते हैं, वाई सी के लिए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वही एसोसिएटिव मेथड लेके और एसोसिएटिव होमोजेनियस लेके वो सारा, तो यहाँ से एम के फैक्टर जो बनते हैं वो बनते हैं प्लस फोर और एम माइनस वन इक्वल टू जीरो बनते हैं, तो ये एम की वैल्यू से आ जाती है वन और माइनस फोर आ जाती है, वाई सी जो निकलेगा वो सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस फोर, ये तो निकल आया वाई सी। अपने आगे वाई पी, वाई पी के लिए हम इसमें ये करते हैं कि जो राइट साइड वाला फंक्शन है वो ऊपर लिख देते हैं और नीचे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है वो नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे तो वहाँ से आपको समझ लीजिएगा ये वाला पावर मेथड है, ठीक
ठीक है। अच्छा अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, सॉल्व करने का तरीका इस तरह है, वो तो बाकी तो आप बुक से देख लीजिएगा, तो ये आपके पास आ गया। पहले तो आप लोगों ने नेट से ये शेयरिंग करना है। अच्छा अब एक्स के साथ जो कोफिशियंट होता है, एक्स के साथ जो कोफिशियंट होता है वो हम इसके अंदर पुट करते हैं नीचे वाले, शर्त ये है कि नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। अब एक्स के साथ क्या आ गया वन, अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये जीरो रहता है, तो हम इसमें पुट नहीं करते, हम इसमें पुट करते हैं, तो ये जिसमें जीरो नहीं आता उसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ गया फाइव, वन प्लस फोर फाइव हो जाएगा, तो ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये थ्री आ जाएगा और नीचे क्या आएगा एम माइनस। अब क्या करना है, ठीक है, वो तो जो फैक्टर जीरो नहीं होता उसको तो कर दें, जो जीरो हो जाता है अब उसके फिर जो है कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो चीज़ आती है वो इसके मुताबिक जो चीज़ आएगी, अब वो यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है। अब नीचे फाइव आ गया वो खत्म हो गया, नीचे जो माइनस अलग फैक्टर था उसकी जगह अब हमने क्या लगा देना, ऊपर एक्स लगा देना, और ये फार्मूला यहाँ पे मौजूद है। ये कैसे करना है कि अगर एफ ऑफ डी का मतलब कोई फंक्शन है, अगर ई एक की पावर ये आ जाता है एफ ऑफ बी नीचे आ जाता है, तो फिर आपने ये करना है कि इसकी जगह पे एक्स लगा, ठीक है, इसकी जगह पे क्या लगा देना है आपने एक्स लगा, क्लियर। तो ये बुक में देख लीजिएगा, यहाँ पे तो शायद थोड़ा सा डायरेक्ट भी किया हुआ है, तो वो बुक से देख लीजिएगा, बाहर पावर मेथड ये। फिर दूसरा ये है कि अगर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक में हम इस तरीके से करते हैं कि ये डी उसके माइनस टू डी माइनस थ्री है, तो साइन के साथ जो एंगल है एक्स के साथ वन, वो हम डी स्केयर की जगह पे माइनस वन पुट करते हैं, डी स्केयर की जगह पे एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसका स्केयर करते हैं, एक्स के साथ कोएफिशिएंट किया वन, वन को स्केयर किया साथ माइनस हो जाते हैं तो माइनस वन बन गया, वो यहाँ पे पुट करते हैं डी स्केयर की जगह, तो डी स्केयर की जगह पे माइनस वन किया तो ये माइनस वन को स्केयर माइनस टू डी माइनस थ्री ये सॉल्व होती है। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, यानी कि टू प्लस डी है तो टू माइनस डी से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, जब फिर डी स्केयर बन गया। अब फिर डी स्केयर की जगह पे वही पुट करेंगे एक्स डी की जगह पे डी, आप एम समझ लें कि आपका एम है, तो वेक्टर्स की इक्वेशन में आपने एम ये डी यूज़ किया है, तो यहाँ पे माइनस वन का स्केयर यहाँ पे पुट कर दो तो ये प्लस फाइव हो जाएगा, बाकी इसके सॉल्व नहीं करना है, तो इसको ट्राई कीजिएगा, ये मैंने थोड़ा सा हिंट देगा तो वो मैंने, ठीक है, तो बाकी विश यू गुड लक।